एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार के लिए 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने यूपी में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का जोर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी कांग्रेस 39 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। यह सूची बड़ी पार्टी मीटिंग में सौंपी जाएगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि टीएमसी ने कांग्रेस को बंगाल में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में भी कांग्रेस की पकड़ अच्छी है। अगर सपा पिछले गठबंधनों में बसपा को बड़ा हिस्सा दे सकती है तो कांग्रेस को क्यों नहीं। बता दें कि कल कांग्रेस आलाकमान के साथ पार्टी के संबंधित प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और महासचिवों की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस की मीटिंग में सीट बंटवारे पर मुख्य फोकस रहेगा। बैठक में कांग्रेस द्वारा तय किए गए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विचार विमर्श के बाद अंतिम मोहर लगाई जाएगी। गठबंधन समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट खड़गे और सोनिया को सौंप चुकी है। कांग्रेस संभवतः 291 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी सीटों पर प्रदेश के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक यूपी कांग्रेस 39 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। यह सूची पार्टी की बैठक में सौंपी जाएगी। जिन सीटों पर कांग्रेस की नज़र है, उनमें से कई सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की भारी मौजूदगी है और यह सीट सपा की पसंदीदा सीट है। जिन सीटों की मांग की जा सकती है, उनमें शामिल है अमरोहा, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी। इन सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में इन तमाम सीटों को लेकर पेंच फंस सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पसंदीदा सीट होने के बावजूद कांग्रेस इस सीट को अपने झोले में मांग रही है। अब देखना यह होता है कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाती है या फिर कांग्रेस, और यह सीट किसके खाते में जाता है। तो वहीं बिहार में कांग्रेस 10 से 12 सीटों पर ताल ठोक सकती है। बिहार में जिन सीटों पर मंथन चल रहा है, उनमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, सासाराम, मोतिहारी, नवादा और पटना। तो वहीं इन तमाम सीटों को लेकर कांग्रेस अपनी बड़ी बैठक के लिए तैयारियां कर रही है। पार्टी की राज्य इकाइयों ने उन सीटों की एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की ओर से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ेगी। भले ही राहुल गांधी ने गठबंधन के नेताओं को आश्वासन दिया था कि पार्टी एक उदार रवैया अपनाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची निश्चित रूप से खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में बहुत समझौतावादी रवैया वाला नहीं दिख रही है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।